मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में साइंस पढ़ेंगे, पेज नंबर 52, यूनिट टेस्ट पेपर सेकंड। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स किसको बोलते हैं, आपको पता है ना? फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं जिसमें हम अपने फर्स्ट एड का सामान रखते हैं, जैसे कि हमें चोट लग जाती है तो उसमें बैंडेज, क्रीम, एंटीसेप्टिक, सीजर सब रखते हैं। तो अब ये देखो, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर एंड पेंसिल। तो इसमें से क्या चीज़ है जो फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होनी मिलती? पेंसिल। विच ऑफ दीज हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन। इनमें से कौन सी चीज़ें जो हमारे हाउस क्लीन में हेल्प करती हैं? सनलाइट एंड डस्टबिन, इंसेक्ट एंड फ्लाइज, कॉकरोचेज एंड रैट्स। तो क्या करती हैं? सनलाइट एंड डस्टबिन। हमने लेसन में पढ़ा था कि सनलाइट हमारे घर में जर्म्स नहीं होने देते, और हम जो भी गार्बेज है वो किस में डालते हैं? डस्टबिन में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज वुड यू वियर इन समर। समर में आप कैसे कपड़े डालते हैं? लाइट कलर्ड क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, लीन इन क्लोथ्स या ऑल इन वन। तो हम कैसे कपड़े डालते हैं? ऑल इन वन। लीन इन भी डाल लेते हैं, कॉटन क्लोथ्स भी डाल लेते हैं, और लाइट कलर कपड़े भी डाल लेते हैं। ओके, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। उस फाइबर का नेम बताओ जो हमें किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो वो कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। ओके, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे टॉप लेयर क्या है? सॉइल। ये जो टेस्ट, यूनिट टेस्ट पेपर जो आप कर रहे हैं, आपके जो पीछे हमने लेसन पढ़े हैं उसी में से है, तो आपको ये आंसर सब आते हैं। समथिंग मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन द सॉइल। कुछ ऐसा मतलब समथिंग मेड फ्रॉम, क्या मेड होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो सॉइल के अंदर पाया जाता है। ह्यूम्स क्या होता है? ह्यूम्स। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं? बॉयलिंग। जब हम पानी उबलने के लिए रखते हैं तो उसमें से भाप उठती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉयलिंग। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। वी शुड टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। क्या हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच छेड़ने चाहिए? नो, फॉल्स। वी वियर डार्क कलर्ड वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम विंटर में डार्क कलर और वूलन क्लोथ्स पहनते हैं? यस, ट्रू। फ्रॉग्स एंड फिश आर एनिमल्स दैट लिव इन ए सॉयल। फ्रॉग्स और फिश जो एनिमल है वो कहाँ रहते हैं? वाटर में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या वो सॉयल में रहते हैं यानी मिट्टी में? नो, फॉल्स। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इंटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉयलिंग? नो, फॉल्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द ऑड वन। इसमें से जो अलग है उस पर आपको सर्कल करना है। इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है, जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे, ट्रैफिक लाइट स्विच। हिंट है, इट इज़ नॉट यूज्ड टू क्रॉस रोड। तो वो क्या है? स्विचेस। सेकंड, नायलॉन, एक्रीलिक, पॉलिस्टर, सिल्क। हिंट क्या है? इट इज़ नॉट अ मैन मेड फाइबर। तो सिल्क हमको किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। तो हम सिल्क पे सर्कल करेंगे। अर्थ वॉर्म, स्नेल्स, बेटल्स एंड फिश। इनमें से कौन है? इट इज़ नॉट लिव इन सॉयल। सॉयल में कौन नहीं रहता? फिश नहीं रहती। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। ऑयल, मिल्क, एयर एंड वाटर। हिंट इज, इट इज़ नॉट लिक्विड। इनमें से क्या लिक्विड नहीं है? एयर इज नॉट लिक्विड। ऑयल भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है, एंड वाटर भी लिक्विड है। और ये क्वेश्चन आंसर्स आप नहीं करेंगे, ये जो यूनिट टेस्ट पेपर है इसको आप अपनी बुक में और नोटबुक में करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेसन 6, पेज नंबर 53, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो ब्रीथ करती है यानी सांस लेती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी थिंग्स होती हैं जो कि ब्रीथ नहीं करती, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। ओके,
पढ़ो. वी सी अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सम आर लिविंग वेयर एज अदर आर नॉन लिविंग. हमारे आसपास बहुत सारी थिंग्स होती हैं, वेराइटी होती है थिंग्स की. उनमें से कुछ तो लिविंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं. इन द पिक्चर गिवन ब्लो आइडेंटिफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड. ये देखिए, ये नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं. इसमें आपको कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जो ब्रीथ नहीं करती, और कौन सी लिविंग थिंग्स है, वो आपको इसमें लिखना है. लिविंग थिंग्स में एल लिखेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में एन लिखेंगे. ठीक है. अब बर्ड क्या है? लिविंग थिंग. ओके. मैन क्या है? लिविंग थिंग. कैट क्या है? लिविंग थिंग. ओके. बॉल नॉन लिविंग थिंग. वॉल क्लॉक नॉन लिविंग थिंग. बैट नॉन लिविंग थिंग. डॉग लिविंग थिंग. और ये प्लांट, ये भी लिविंग थिंग है, क्योंकि प्लांट भी ब्रीथ करता है, इसको भी जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है. ओके. आपको समझ में आ गया ना? इसी तरह से आपको ये इसमें अपनी बुक में पेज नंबर 53 है आपका बुक का, ये देखिए पेज नंबर 53, और आपको जो है अपनी बुक में ये पेंसिल से फिल करना है. यू विल लर्न अबाउट. हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम आपके इस लेसन पे पढ़ेंगे. यस. अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 54, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीद, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस. एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है, चेंजेस आते हैं उनके अंदर और रिप्रोड्यूस करते हैं वो. ओके. उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन. एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स. लिविंग थिंग्स जो है खुद मूव करती हैं, और एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने खाने के लिए और शेल्टर के लिए, यानी रहने के लिए जो छत होती है वो ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. ये देखिए, ये एनिमल बना हुआ है, इसके विंग्स हैं. अ बर्ड मूव्स विद देयर हेल्प ऑफ विंग्स. बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? अपनी विंग्स के हेल्प से. और फिन्स, फिन्स कैसे मूव करती है? फिश जो होती है उनके फिन्स होते हैं, उनके जो ये आसपास जो पंख होते हैं उनको बोलते हैं फिन्स. आ फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स. और फिश कैसे मूव करती है? फिन्स की हेल्प से. ओके. एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कैसे वॉक करते हैं? अपनी लेग्स की हेल्प से, अपनी टांगों की हेल्प से वो चलते हैं. बर्ड्स एंड बीज ऑल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. और बर्ड्स और बीज जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं किसकी हेल्प से? अपने विंग्स की हेल्प से, यानी पंखों की हेल्प से. फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स. और फिश कैसे हेल्प चलती है? किसकी हेल्प से? अब फिन्स की हेल्प से. फिश के पंखों को जो ये बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिन्स. यस. नेक्स्ट है प्लांट्स. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे डू नॉट हैव टू लुक फॉर फूड. प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते. क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव टू लुक फॉर फूड. उनको खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होता. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. सम प्लांट्स मूव इन अ स्पेशल वे. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मिमोसा. टच मी नॉट, एक प्लांट आता है उसको बोलते हैं मिमोसा. प्लांट्स क्लोज वैन टच. उस प्लांट को जब हम टच करते हैं ना तो उसकी पत्तियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं. दूस प्लांट शो मूवमेंट. बस इतनी ही मूवमेंट करते हैं वो.
देखिए ये देखिए, जैसे ये है इसको बोलते हैं मिमोसा प्लांट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं चुई मुई का पौधा। क्या बोलते हैं? चुई मुई का पौधा। लीव्स फॉर मिमोसा प्लांट्स क्लोज व्हेन टच, जब इसको टच करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स टॉयज एंड चेयर्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। और नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि बुक्स हो गए, टॉयज हो गए, चेयर्स हो गई, वो डू नॉट मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह पर खुद नहीं जा सकती। चीज़ों को उठा करके हम लोग खुद लेके जाते हैं। दे मूव ओनली वैन समवन मूव्स देम, जब हम उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं तभी वो मूव करती है। ये देखिए, जैसे ये बॉय प्ले कर रहा है कार के साथ तो ये कार को खुद मूव लेके जा रहा है, तो वो मूव कर रही है। नॉन लिविंग थिंग मूव्स ओनली वैन समवन मूव्स देम, और नॉन लिविंग थिंग तभी मूव्स करती हैं जब उसको कोई ना कोई मूव करवाता है। तो आपको समझ में आई कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, ब्रीथ करती हैं, उनको फूड की नीड होती है और उनके अंदर चेंजेस भी आते हैं और वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं। लेकिन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जो ना तो ब्रीथ करती हैं और ना ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं और ना ही उनको फूड की ज़रूरत होती है, और उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना भी होता है तो वो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो उनको मूव एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं। अगर कोई समवन उनको मूव करवाता है तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया लिविंग थिंग्स मूव करती हैं कैसे और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं? लिविंग थिंग्स खुद मूव करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को समवन कोई भी इधर से उधर लेके जाता है तभी मूव करती हैं। अब आप अपनी कॉपी में यूनिट टेस्ट पेपर की जो एक्सरसाइज कराई है वो करेंगे, और इसके अलावा आप अपनी कॉपी में लिविंग थिंग्स के टू एग्जांपल्स कोई भी बनाएंगे, जैसे कोई भी बर्ड या एनिमल या प्लांट, और नॉन लिविंग थिंग्स के भी आप एनी टू एग्जांपल्स, बुक, कार, बस, कुछ भी कॉपी में आप बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे लिविंग थिंग्स और नीचे दो टू लिविंग थिंग्स की पिक्चर बनाएंगे और फिर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स और फिर नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? ओके, बाय स्टूडेंट्स।